हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल क्रिकेट वर्ल्ड में। भारत के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के बाद भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेलनी है। इस सीरीज में टीम की कमान शिखर धवन के हाथों में होगी। इस सीरीज में नियमित कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे क्रिकेटरों को आराम दिया गया है। लोकेश लाहोर खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। ऐसे में वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों के सामने भारत की यंग ब्रिगेड की कड़ी आजमाइश होगी। कार्यवाहक कप्तान शिखर के साथ सलामी जोड़ीदार के रूप में अनुभवी रोहित की अनुपस्थिति में ईशान किशन बेहतर प्रदर्शन हो सकती हैं। हालांकि दोनों भाई हाथ के बल्लेबाज हैं। अगर टीम प्रबंधन दाएं बाएं हाथ के बल्लेबाजों का विकल्प चुनती है तो ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और सुमन गिल भी उपलब्ध हैं। गायकवाड़ ने अभी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। तीन वनडे खेलने वाले गिल ने पिछला वनडे दिसंबर 2020 में खेला था। 18 महीने बाद उन्हें वनडे टीम में शामिल किया।